सोनिया जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, गुड इवनिंग ऑल। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पीछे कुछ ऐसा हुआ था, जब ग्रुप ज्वाइन किया था तो टाइम के लिए मेरे पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं था। मैं वॉच नहीं कैरी करती थी घर पे, तो मैं बार बार जाके फोन पे देखती थी। और फोन पे क्योंकि मैं टाइम को देखती थी तो एक ऐसी हैबिट पड़ गई थी, ऑन द टॉप ऑफ इट आपके पास आते भी हैं, ब्लिंक भी करता है, फिर भी अंदर चले जाता था हाथ, अंदर व्हाट्सएप पे, देन वो था। पर जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैंने ऐसा ही किया कि सबसे पहले मैंने एक वॉच पहनी। मैं हर समय पहनती हूँ, तब से लेकर अब तक, दो मेरे को हैबिट नहीं थी। उससे मुझे ये फायदा हुआ कि अब मुझे फोन को हाथ नहीं लगाना पड़ता। पर मैंने इन दिनों में एक चीज नोटिस की, वो हैबिट इतनी थी कि मैं कॉन्शियस में हूँ, मुझे याद आ रही है तो ठीक है, अगर मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ, फोकस है मेरा तो ठीक है। पर अगर मेरा हल्का सा कहीं फोकस हटा है और मैंने फोन को हाथ में कैरी किया हुआ है, क्योंकि आजकल मेरा थोड़ा सा टाइम ऐसे है कि मैं थोड़ा रेनोवेशन की वजह से साइट पे होती हूँ, तो मैं उसको ठीक रख नहीं पाती हूँ क्योंकि सब डस्ट वगैरह है वहां पे, तो मैं देखती हूँ मेरी फिंगर ऑटोमेटिकली उसको ऑन करती है। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट वहां पे जाके, जो टॉप में जाके उसका मैसेज का नोटिफिकेशन होता है, बस उतना ही देख लेती है। एंड सब कॉन्शियस माइंड सिर्फ तीन ग्रुप देखता है, एक तो सेल्फ चैलेंज वाला जिसमें मैं अभी इन्वॉल्व हूँ, उसमें अगर नहीं है तो आई एम ओके विद इट, पर मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी फिंगर ऑटोमेटिकली उसको ऑन करती है, आई अपने आप फोन पे देखती है, जाती मतलब मैं क्योंकि हाथ में है ना फोन, ये एक ड्रॉबैक है मेरे लिए इस समय। और अगर मैं इसको कैरी करती हूँ छोटे से पर्स के साथ तो वो मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, बिकॉज वहां का लोकेशन ऐसा है। तो ये मैंने अब भी नोटिस किया। दो मेरे पास तीन ही व्हाट्सएप ग्रुप है, दो ग्रुप ये हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, और एक ग्रुप है जहाँ पे हम लोग मेडिटेशन करते हैं। स्टिल मैं देख रही हूँ कि हैबिट काम कर रही है, और आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस, जिसमें आप फोकस की अब फोकस कर रहे हैं। आज बहुत सुंदर हमने वीडियो देखा, मॉड्यूल देखा कि इंटेंशनली फोकस करते हैं जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, तो मुझे याद दिला रहा था कि मुझे इंटेंशनली कहाँ कहाँ फोकस करना है। तो ये भी उसी का ही पार्ट है कि मेरी फिंगर गई है, तो अब मुझे इसको कैसे फोकस करके इस फिंगर को भी ना जाए कैसे मैं मैनेज करूँ, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू, मे बी मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ कि यहाँ पे मेरी सेंसेस जो आउटर सेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, चाहे मैंने उसके लिए एक मैंने वॉच बांध भी ली है। शायद मेरे को कहीं रहता है कि हो सकता है मुझे अभी ट्रिगर हो रही, अभी ये समझ आ रही है बात, हो सकता है मैं उन दो ग्रुप में अभी फिलहाल जो मेरा मेडिटेशन का ग्रुप है उसमें मुझे पता है कि मुझे कब आना है। इन दो ग्रुप के लिए मैं बड़ी कॉन्शियस हो गई हूँ कि मेरे से कुछ छूट नहीं जाए, बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं फटाफट से आंसर दे दूं क्योंकि शाम को मुझे ज्वाइन करना है। आई थिंक ये भी कारण हो सकता है, अगर ये कारण है अच्छी बात है, पर मेरी फिंगर नहीं जानी चाहिए, दैट्स बैड। जी तो ओवरऑल वी आर इन अ वेरी पेक्यूलियर सिचुएशन, और ये पैराडॉक्स है कि इंटरनेट के बिना, मोबाइल के बिना, कनेक्टिविटी के बिना हमारी लाइफ चल भी नहीं सकती, और ये हमारी लाइफ को ओवरवेलम भी कर रहा है इन अ वे। तो हमें एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बना के चलना है। वी नीड नॉट टू थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर ऑल टुगेदर, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। हमें यूज़ भी करना है और बैलेंस भी बनाना है।